लोगों ने फॉर्म भरा, पैसा लगाया और उसके बाद फॉर्म 300 कुछ फॉर्म आए थे, उसमें से 206 फार्म इन्होंने सेलेक्ट किए। अब उसके बाद उस सेलेक्ट करने वाले फॉर्म में से भी इनको ये था कि आज लॉटरी निकालेंगे और लिस्ट भी चस्पा कर दी, लेकिन इन्होंने कोई लॉटरी नहीं निकाली, उसको निरस्त कर दिया। किस कारण से निरस्त किया, अगर कोई कारण है तो इनको बताना चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन में कोई आपके साथ हो ना हो, संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर हमेशा आपके साथ है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं और सभी टीपी एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा कैशलेस इलाज उपलब्ध। संजीवनी हॉस्पिटल, सिविल लाइन्स, अजमेर। आज हम ज्ञापन देना है कि जो ये सरकार, बीजेपी की सरकार, एक साल हो गया इस सरकार को बने हुए और ये सरकार नहीं, नाटक चल रहा है, सर्कस चला रखा है इन्होंने। आज किसी चीज का आदेश देते हैं, कल उस आदेश को निरस्त करते हैं। इन्होंने लोगों की भावनाओं से खेलना सीखा, लोगों की भावनाओं को दुरुस्त करना सीखा, लोगों की गरीबी को सीखा, लोगों की गरीबी को मजाक उड़ाना सीखा। तो आज देखिए आपने, इन्होंने पहले खुद ने एडीए ने 182 बीएचयू की जो क्वार्टर पड़ी थी उनको, कि गरीब लोग जिनके पास आवास नहीं है उनको रहने के लिए किराए पे दी जाएगी। अब उन्होंने फार्म निकाले, लोगों ने फॉर्म भरा, पैसा लगाया और उसके बाद फॉर्म 300 कुछ फॉर्म आए थे, उसमें से 206 फार्म इन्होंने सेलेक्ट किए। अब उसके बाद उस सेलेक्ट करने वाले फॉर्म में से भी इनको ये था कि आज लॉटरी निकालेंगे और लिस्ट भी चस्पा कर दी, लेकिन इन्होंने कोई लॉटरी नहीं निकाली, उसको निरस्त कर दिया। किस कारण से निरस्त किया, अगर कोई कारण है तो इनको बताना चाहिए। फोन दी जाएगी तो बेचारे ये लोग 500 रुपये की दाढ़ी पे जाते हैं, 600। अब सीजन का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, लोग अपनी मजदूरी को छोड़कर लॉटरी का इंतजार करने आए, लेकिन इनको यहाँ पर मिला कि यहाँ पर निरस्त कर दी गई है। अब हो सकता है इन्होंने अखबार में दी, लेकिन अखबार हर आदमी नहीं पढ़ता, इनको फ़ोन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो कच्ची बस्तियाँ हैं एडीए के अंडर में, 48 कच्ची बस्तियाँ हैं, उनमें न तो ये पट्टा दे रहे हैं, ना किसी को मकान को सड़कें बना रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और वो कच्ची बस्तियों को कभी नगर निगम को हस्तांतरित करने की बात करते हैं और कभी नगर निगम एडीए को हस्तांतरित करने की बात करती है। इन्होंने इस तरह की जो योजना है उनको एक फुटबॉल बना रखा। आपके चैनल के माध्यम से ही पता लगा था हमें बीच में कि देवनानी जी ने कहा कि इनमें समझौता हो गया और ये कच्ची बस्तियाँ नगर निगम को हस्तांतरित कर दी गई है, जबकि अभी हमें पता लगा, मैंने एडीए में भी पूछा और नगर निगम में भी पूछा, उन्होंने कहा हमने ऐसी कोई कच्ची बस्तियां नहीं ले रहे। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं लोगों को, मतलब मजाक बना रखा लोगों का इन्होंने, गरीब जनता का मजाक बना रखा, गरीब जनता को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। वो कच्ची बस्तियां भी नहीं ले रहे, गरीब लोगों के मकान में, मतलब ये चाहते हैं गरीबों, ये जो नारा इनका है कि गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटा दो, तो क्या करना चाहते हैं, गरीबों को हटाना चाहते हैं, इनको मारना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कोई स्पष्ट नहीं है इनका। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी कार्रवाई करें, ये जो किराए वाली है लॉटरी शीघ्र से शीघ्र निकाली जाए, और किसके कहने से ये वापस से बंद कर रहे हैं। अगर बंद करना था, नहीं देनी थी तो पहले से नहीं देनी थी, इन गरीबों के पैसे क्यों खराब करवाए, और अगर खराब करवाए तो इनको लॉटरी निकाली जाए, जिनको लॉटरी अलॉटमेंट होती है बेचारों को, उनको आशा ना मिले घर रहने के लिए, दिवाली पे उनको घर मिले। ये एक तरफ तो कहते हैं राम जी घर आ गए, और राम जी घर आने, दिवाली पे भी राम जी घर आए थे, इन गरीबों को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो। तो इन गरीबों को भी राम समझ के इनके मकान दिए जाए, इनको घर दिया जाए, जिससे अपने